हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स के बारे में जो कि इंडिया में मई के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं। नंबर एक पर आता है Xiaomi Mi 10। बात करें इसके फुल स्पेसिफिकेशंस की तो यह Android 10 के साथ लॉन्च होगा। 8GB की रैम होगी और इसके प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर है। डिस्प्ले 6.7 इंचेस का फुल HD 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। स्क्रीन सुपर एमोलेड है। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। बात करें इसके रियर कैमरा की, इसमें 4 रियर कैमरा हैं 108+13+2+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। स्टोरेज 128 और 256GB मिल जाएगा। 4780mAh की बैटरी है। 30W का चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करें इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस है 41,000 रुपीज़ और यह इंडिया में 8 मई को लॉन्च होने वाला है। नंबर दो पे आता है IQ Neo 3। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो यह Android 10 के साथ लॉन्च होगा। 6GB की रैम होगी और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर है। डिस्प्ले 6.7 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है। स्क्रीन सुपर एमोलेड है। फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में होगा। बात करें इसके रियर कैमरा की तो इसमें 3 रियर कैमरा हैं 48+8+2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 20 मेगापिक्सल का है। स्टोरेज 128GB मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी है और 44W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 29,000 रुपीज़। बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 26 जून। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में आ जाएगा। नंबर तीन पे आता है वीवो का V19। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो यह एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च होगा। 8GB की रैम होगी। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 712 है। डिस्प्ले 6.4 इंचेस फुल HD डिस्प्ले है। स्क्रीन सुपर एमोलेड है। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। बात करें इसके रियर कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा हैं 48+8+2+2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का है। स्टोरेज 128GB मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी है। 33W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 26,000 रुपीज़। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की तो यह मई के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। नंबर फोर पे आता है Realme X3 Pro। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो यह Android 10 के साथ लॉन्च होगा। 8GB की रैम होगी और बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर है। डिस्प्ले 6.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले है। स्क्रीन IPS LCD होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन मिल जाएगा। बात करें इसके रियर कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+13+8+2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 2 फ्रंट कैमरा हैं 16+8 मेगापिक्सल। स्टोरेज 128GB मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 13,000 रुपीज़। बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो उम्मीद है यह मई के मंथ में लॉन्च हो जाएगा। नंबर 5 पे आता है Redmi Note 9। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो यह Android 10 के साथ लॉन्च होगा। 3GB की रैम होगी। प्रोसेसर MediaTek Helio G85 होगा। डिस्प्ले 6.5 इंच का होगा। स्क्रीन IPS LCD होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर रियर में मिल जाएगा। बात करें इसके रियर कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा होंगे 48+8+2+2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का होगा। इंटरनल स्टोरेज 64GB मिल जाएगा। 5020mAh की बैटरी होगी। 18W का चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 12,000 रुपये। बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो उम्मीद है यह मई जून के मंथ में लॉन्च हो जाएगा।